गुड इवनिंग बच्चों। तो न्यूज़पीड की जो फिजिक्स टेस्ट सीरीज है उसमें आज आपका सेकंड टेस्ट हुआ है और उसका डिस्कशन हम लोग करने जा रहे हैं। पूरा सोल्यूशन हम लोग पूरे 50-50 क्वेश्चन का सोल्यूशन डिस्कस करेंगे। अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं और उम्मीद है कि अगर आपने पढ़ के पेपर दिया होगा तो निश्चित रूप से आपके क्वेश्चन निकलते जा रहे होंगे, क्योंकि क्वेश्चन मॉडरेट दर्जे के हैं, एनसीईआरटी से फ्रेम किए गए हैं, एनसीईआरटी से ही कहीं ना कहीं से लिए गए हैं। और स्टार्ट करते हैं। पहले पहला क्वेश्चन है, जो प्रोजेक्टाइल मोशन में हम लोग सबसे पहले ही लाइन में पढ़ाते हैं कि प्रोजेक्टाइल मोशन कब होता है। प्रोजेक्टाइल मोशन जो कि एक पैराबोलिक मोशन है, वो तब होता है जब पार्टिकल का एक्सेलरेशन कभी भी वेलोसिटी की डायरेक्शन में ना होने पाए और एक्सेलरेशन कांस्टेंट भी होना चाहिए। जैसे ये देखिए, एक्सीलरेशन यहाँ भी जी है डाउनवर्ड, ये देखिए वेलोसिटी v2 हो गई और एक्सीलरेशन अभी भी जी डाउनवर्ड है। जब पार्टिकल जमीन पर गिरा तब उसकी वेलोसिटी ये देखिए यू है और एक्सीलरेशन जी अभी भी डाउनवर्ड है। तो प्रोजेक्टाइल मोशन तब होता है जब एक्सीलरेशन कांस्टेंट हो और वो कभी भी वेलोसिटी के पैरेलल ना आने पाए, ठीक है ना। अगर ऐसा हो रहा है तो पार्टिकल का पाथ पैराबोलिक होगा। बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक प्रोजेक्टाइल को फेंका गया और मैक्सिमम हाइट तक जाने में टीएम टाइम लगा, ये देखिए यहां तक जाने में टाइम जो लगा वो टीएम लगा, और टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट जो है ये पूरा टाइम वो टी1 है। तो टी1 और टीएम में क्या रिलेशन होगा? तो जाहिर सी बात है, जो T1 होगा वो आधा तक जाने का टाइम और उतना ही उतरने का टाइम, ऊपर तक चढ़ने का टाइम और उतरने का टाइम, यानी कि ट्वाइस ऑफ TM के बराबर होगा। ये बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल छोटा सा क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर थर्ड सही होगा। आगे चले, द टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल ऑन द अपवर्ड इंक्लाइन प्लेन। इंक्लाइन प्लेन का प्रोजेक्टाइल, इंक्लाइन प्लेन पर जब हम किसी प्रोजेक्टाइल को फेंकते हैं यू वेलोसिटी से, तो ये देखिए ये यहाँ जाके कहीं गिरता है और ये रेंज होती है और ये पूरा टाइम ऑफ फ्लाइट होता है। ये पूरा बड़ा वाला एंगल जो हॉरिजेंटल से है वो होता है अल्फा, और एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन ये जो है ये होता है बीटा, और टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या होता है? 2u sin अल्फा माइनस बीटा अपॉन g cos बीटा, ठीक है ना। ये फॉर्मूला अगर आपको नहीं याद है तो आप इसको याद कर लीजिए। इंक्लाइन प्लेन पर जब प्रोजेक्टाइल को हम फेंकते हैं तो ये होती है रेंज और ये होता है टाइम ऑफ फ्लाइट, और टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला होता है 2u sin अल्फा, हाँ ये बड़ा वाला एंगल अल्फा माइनस एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन, ये देखिए इंक्लाइन प्लेन है ये एंगल बीटा, 2u sin अल्फा माइनस बीटा अपॉन g cos थीटा। तो टाइम ऑफ फ्लाइट किन किन बातों पर डिपेंड करता है? प्रोजेक्शन वेलोसिटी पर भी डिपेंड करता है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पर भी डिपेंड करता है, एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन पर डिपेंड करता है, और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर भी डिपेंड करता है। इस पर भी डिपेंड करता है, इस पर भी डिपेंड करता है और इस पर भी डिपेंड करता है, यानी कि आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव, ये रिजल्ट आ जाएगा, ये आंसर होगा। आइए, प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी 25 मीटर पर सेकेंड, थीटा एंगल पर फेंका गया, और आफ्टर टी सेकेंड इट्स इंक्लाइनेशन विद हॉरिजेंटल बिकम जीरो। टी सेकेंड के बाद हॉरिजेंटल से एंगल बनना बंद हो जाता है, ऐसा क्वेश्चन में कहा गया है। ये देखिए, ये देखिए यहाँ पर वेलोसिटी हो गई वी, और ये देखिए हॉरिजेंटल से कोई एंगल नहीं बन रहा है, और ये जो टाइम है ये जो यहाँ से यहाँ तक का टाइम है वो टी दिया हुआ है, ठीक है ना, और रेंज आर है। तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन हमको फाइंड करना है, तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन के फॉर्मूले आप लोगों को पता होंगे, टेन थीटा इज इक्वल टू g t² / 2 r। ये फॉर्मूला आपको अगर नहीं मालूम है तो इसको आप मालूम कर लीजिए, ध्यान कर लीजिए। तो यहाँ पर टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा? टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट टी जाना और टी आना यानी कि 2t के बराबर होगा। तो हम इसको यहाँ पुट कर देंगे, जी की वैल्यू भी हमको रखनी चाहिए क्योंकि आंसर में जी नहीं है, यानी कि हमें जी की वैल्यू को रखना है। तो 10 और 2t का स्क्वायर अपॉन 2 r, सो
ये हो गया 10 और ये उसके आगे 4t स्क्वायर अपॉन 2r, तो 2 से 4 को हमने काट दिया, ठीक है ना, 2 से 4 काटो तो यहाँ 2 आ गया, 2 इंटू 10 कितना हो गया 20, टी स्क्वायर अपॉन आर, ये हो गया 10 अल्फा। क्या इसी फॉर्म में आंसर है? नहीं, आंसर कॉट के फॉर्म में है, तो कॉट थीटा इज इक्वल टू 1/10 थीटा, ठीक है ना भाई, 1/10 थीटा, यानी कि इसको रिवर्स कर दीजिए, यानी कि आर अपॉन 20 t स्क्वायर, सो थीटा इज इक्वल टू कॉट इनवर्स आर अपॉन 20 t स्क्वायर। आसान क्वेश्चन है, आसानी से सॉल्व हो गया, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर 4 होगा, टू बॉल्स आर प्रोजेक्टेड एट एंगल थीटा एंड 90 माइनस थीटा, दो बॉल्स को थीटा और 90 माइनस थीटा एंगल पर प्रोजेक्ट किया गया, एक का एंगल थीटा रखा गया, दूसरा का एंगल 90 माइनस थीटा रखा गया, तो इनकी मैक्सिमम हाइट्स रिस्पेक्टिवली H1 और H2 है, ये पूरी हाइट H1 है और ये जो हाइट है वो H2 है, तो H1 और H2 का रेशियो आपको सभी को पता होगा, ये आंसर फोर्थ आएगा, कैसे आएगा वो देख लीजिए। देखिए H1 इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g और H2 इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा अपॉन 2g, है ना, यहाँ ये पूरा एंगल थीटा और ये एंगल 90 माइनस थीटा, तो साइन 90 माइनस थीटा यानी कि कॉस थीटा अपॉन 2g, तो हम जब हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे, ये आपका खूब देखा हुआ क्वेश्चन है, तो आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। सोल्यूशन समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है? हाँ, पहले प्रोजेक्टाइल को थीटा एंगल पर फेंका गया, हाइट H1, और दूसरे को 90 माइनस थीटा एंगल पर फेंका गया और हाइट H2, तो H1 और H2 का रेशियो हमें निकालना था, तो ये आ गया 10 स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। तो ये आपका खूब देखा हुआ सवाल है, आपको ये आंसर हमेशा याद भी रखना चाहिए, और टाइम ऑफ फ्लाइट का रेशियो इसी प्रकार से आता है, टाइम ऑफ फ्लाइट T1 और T2 का रेशियो आता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बराबर आता है 10 थीटा। आगे चलें भाई, द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल ऑफ द बॉडी इज इंक्रीज बाई 2%, मैक्सिमम हाइट पे क्या फर्क पड़ेगा, हाइट इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, बाकी सब चीज़ों को कॉन्स्टेंट रखते हुए इनिशियल वेलोसिटी को 2% बढ़ाया गया, यानी कि जो यहाँ आपको दिखाई पड़ रहा होगा जो h है वो यू स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो परसेंटेज चेंज इन यू परसेंटेज चेंज इन h बराबर हो जाएगा 2 टाइम्स परसेंटेज चेंज इन यू, ठीक है ना। ये फंडा हम सब लगा सकते हैं, जब किसी भी भौतिक राशि में किसी भी फिजिकल क्वांटिटी में परिवर्तन 5% से कम हो तो हम लोग ये फंडा लगा सकते हैं, लेकिन अगर परसेंटेज चेंज 5% से ज्यादा है तो हमें पूरा मेथड लगाना पड़ेगा, ये शॉर्टकट मेथड नहीं चलेगा, ठीक है ना। यहां पर ये चल जाएगा 2%, तो ये हो गया आपका परसेंटेज चेंज इन हाइट विल बी इक्वल टू 4%। बढ़िया क्वेश्चन है, और अगर किसी को ये कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो उसको सवाल को गलत उसका सवाल गलत हो सकता है। अ बॉडी प्रोजेक्टेड एट एन एंगल विद हॉरिजेंटल हैज रेंज 300 मीटर और टाइम ऑफ फ्लाइट है 6 सेकेंड, तो हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी हमको फाइंड करने के लिए कहा गया है, ये देखिए ये यू है और ये एंगल थीटा है, ये यू का एक्स कंपोनेंट जो कि यू कॉस थीटा, और ये यू का वाई कंपोनेंट जो कि यू साइन थीटा है, और ये प्रोजेक्टाइल यहाँ गया, ठीक है ना। क्वेश्चन में आपका रेंज दिया हुआ है और टाइम ऑफ फ्लाइट दिया हुआ है और ये चीज़ हमको फाइंड करने को कहा गया, तो आइए रेंज का फॉर्मूला हम लोग देखें। रेंज का फॉर्मूला 2 यू का हॉरिजेंटल कंपोनेंट और यू का वर्टिकल कंपोनेंट है ना अपॉन जी, जिसकी वैल्यू दी है 300 मीटर, और अब टाइम ऑफ फ्लाइट होता है 2u sin थीटा बाई g, और इसकी वैल्यू दी हुई है 6। तो अब अगर हम इन दोनों को डिवाइड कर दें तो आप देखिए, अगर हम 1 और 2 इक्वेशन को डिवाइड कर दें तो 2 से 2 u sin थीटा जी से जी कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर क्या बचेगा, ऊपर बचेगा u cos थीटा, नीचे कुछ नहीं बचेगा, बराबर 300/6, तो ये हो गया 50
मीटर पर सेकेंड, और यही वेलोसिटी का हॉरिजेंटल कंपोनेंट है जो हमें फाइंड करना था। तो क्वेश्चन फार्मूला बेस है, अगर आप आर को ओपन फॉर्म में लिखेंगे तो ये सवाल जल्दी सॉल्व हो जाएगा, और अगर आप आर को लिखेंगे यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाई जी, सही तो है बिल्कुल, ये यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाई जी अगर आप लिखते हैं तो आपको सॉल्व करने में टाइम ज़्यादा लगेगा। इसलिए रेंज का ये जो खुला हुआ फार्मूला ये तैयार करिए, मैं आपको बताता हूँ रेंज का फार्मूला जो खुला हुआ होता है वो होता है टू यू एक्स यू वाई अपॉन जी, है ना। एच का फार्मूला होता है यू वाई स्क्वायर अपॉन टू जी, और टाइम ऑफ फ्लाइट का फार्मूला होता है टू यू वाई बाई जी। अगर आप ये फार्मूले इस्तेमाल करते हैं तो आपको ज़्यादा मदद मिलेगी सवालों को सॉल्व करने में। इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल की क्या होती है, वाई इज इक्वल टू होती है एक्स टेन थीटा, है ना, माइनस जी स्क्वायर अपॉन टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और आगे होता है एक्स स्क्वायर। ये प्रोजेक्टाइल मोशन की जनरल इक्वेशन है। अगर आप इसको और इसको कंपेयर करेंगे तो आप पाएंगे कि टेन थीटा रूट थ्री के बराबर है, और ये जो पूरी वैल्यू है वो देखिए जी बाई टू के बराबर है। देख रहे हैं ना आप लोग, ये इसके समतुल्य है और ये इसके समतुल्य है। हमें एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फाइंड करना था, हमने देखा साइन थीटा इज इक्वल टू रूट थ्री, कंपेयर किया हमने तो थीटा इज इक्वल टू आ गया 60 डिग्री, हो गया आराम से, टेन थीटा बराबर रूट थ्री, चलिए यही दिया हुआ है, इसको आप टिक कर दीजिए। अच्छा सवाल था, विच द फॉलोइंग इज रेक्टिलिनियर मोशन, कौन सा रेक्टिलिनियर, रेक्टिलिनियर मोशन का मतलब होता है किसी चीज़ का एक सीधी लाइन में चलना, ये देखिए ये इसे कहते हैं रेक्टिलिनियर मोशन। तो मोशन स्नैक का, स्नैक तो भैया कैसे भी चलता है टेढ़ा मेढ़ा, मोशन ऑफ एयर पार्टिकल, एयर पार्टिकल तो जिग जैग मोशन, रेंडम मोशन करते हैं, गलत हो गया। मोशन ऑफ सेटेलाइट, अरे भैया सेटेलाइट तो अर्थ के आसपास सर्कुलर मोशन करती है, ये रेक्टिलिनियर मोशन नहीं है। मोशन ऑफ ट्रेन रनिंग ऑन द स्ट्रेट ट्रैक, बिल्कुल सही है, चौथा सवाल हो गया। ये एनसीईआरटी के वन डायमेंशन और टू डायमेंशन के पहले ही पन्ने पे ये स्टेटमेंट लिखा हुआ है। एक पार्टिकल ए से बी तक आता है, सेमी सर्कुलर पाथ करता है, रेडियस जो है वो 1 मीटर है, और 1 सेकेंड में वो ए से बी तक आ जाता है। ये देखिए 1 सेकेंड लगता है, तो ए से बी तक एवरेज वेलोसिटी फाइंड करनी है। एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्टेंस नहीं, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट है आर प्लस आर, यानी कि टू आर बाय टाइम। टू आर बाई टाइम, है ना, तो 2 और r की वैल्यू 1 है और टाइम 1 सेकेंड है, तो ये आ गया 2 मीटर पर सेकेंड। देखने में कठिन लेकिन बेहद आसान सवाल ये आपके लिए है। अ मैन लीव्स हिज हाउस फॉर साइक्लिक राइड, एक पर्सन अपने घर से एक साइक्लिक यात्रा शुरू करता है और वो कहीं जाकर वापस आता है, कहीं जाता है और फिर जाकर वो अपने ही घर में वापस आ जाता है, ठीक है ना। इस पूरे काम में उसको आधे घंटे लगते हैं और इस पूरे यात्रा में वो 1 किलोमीटर दूरी तय करता है, तो उसकी एवरेज वेलोसिटी हमें फाइंड करनी है। एवरेज वेलोसिटी बराबर होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और क्योंकि वहीं लौट कर आ गया तो डिस्प्लेसमेंट 0 है और आधा घंटा लगाता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आंसर क्या आएगा बताइए, 0 आएगा। एवरेज स्पीड नहीं बतानी है, एवरेज वेलोसिटी बतानी है। एवरेज वेलोसिटी मतलब डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो जब पर्सन गया और घर पर ही वापस आ गया तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया, जिसकी वजह से एवरेज वेलोसिटी का आंसर भी 0 होगा। सवाल बहुत आसान, गलत भी हो सकता है। दो पार्टिकल्स हैं जिनका जो पोजिशन है टाइम के साथ वो दिया हुआ है अल्फा टी प्लस बीटा टी स्क्वायर, है ना, और दूसरे पार्टिकल के लिए दिया हुआ एक्स टू इज इक्वल टू एफ टी माइनस टी स्क्वायर, ठीक है ना। तो क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन है कि एट व्हाट टाइम बोथ बसेस हैव सेम वेलोसिटी, दोनों बसों की वेलोसिटी किस समय समान होगी। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू
द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजिशन, तो आइए इसको डिफ्रेंशिएट करें, तो अल्फा प्लस टू बीटा टी है ना, और इसको डिफ्रेंशिएट करें तो आएगा एफ माइनस टू टी। हमें टाइम फाइंड करना है तो हम इसको इधर लेकर आएंगे, तो टू बीटा टी प्लस टू टी इज इक्वल टू एफ माइनस अल्फा। सो टू टी यहाँ से कॉमन आ सकता है, तो ये बीटा प्लस वन इज इक्वल टू एफ माइनस अल्फा। यहाँ तक सोल्यूशन समझ में आ रहा है, ठीक है ना, सोल्यूशन समझ में आ रहा है ना। देखिए आपका टाइम बचाने के लिए ही हम थोड़ा तेजी से बता रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत आपको होनी तो नहीं चाहिए, ना होगी। तो यहाँ से आगे आपका टाइम इज इक्वल टू एफ माइनस अल्फा अपॉन टू बीटा प्लस वन। क्वेश्चन एक सिंपल क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में दिया गया इसका जिक्र है, और ये एक अच्छा क्वेश्चन, साधारण क्वेश्चन आपके लिए, आपको इसको प्रैक्टिस करना चाहिए। स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म वेलोसिटी यानी कि वेलोसिटी ना बढ़ रही है ना घट रही है, ये देखिए वेलोसिटी ना बढ़ रही है ना घट रही है, तो इसका स्लोप क्या होगा, स्लोप जो कि dv बाई dt होता है, जिसको हम लोग tan थीटा भी कहते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पर थीटा बन ही नहीं रहा है, थीटा जीरो है, tan जीरो मतलब जीरो। बहुत ही बढ़िया सिंपल सा क्वेश्चन, ऑप्शन होगा थ्री। आपको बात समझ में आ रही है ना, यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब है वेलोसिटी ना बढ़ रही है ना घट रही है। तो देखिए बिल्कुल ये ग्राफ होगा और इसका स्लोप आप देख ही पा रहे होंगे, इसका स्लोप है जीरो। अच्छा सवाल है, चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट, द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट अलोंग द स्ट्रेट लाइन इज अ रेक्टिलिनियर मोशन, बिल्कुल सही। द स्पीड इन जनरल इज लेस देन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, अरे यही तो गलत हो गया, क्योंकि एक्चुअली वेलोसिटी के मॉड को ही हम लोग क्या कहते हैं बताइए, स्पीड कहते हैं, जबकि सेकेंड ऑप्शन में कहा गया है कि वेलोसिटी का मॉड लेने से स्पीड जो कि इससे कम आती है ना, कम नहीं होती, बिल्कुल बराबर आती है, वेलोसिटी के मॉड को ही स्पीड कहते हैं। तो रॉन्ग स्टेटमेंट चॉइस करना था, तो जो सेकंड स्टेटमेंट है वही रॉन्ग है, बाकी सारे स्टेटमेंट बिल्कुल बिल्कुल सही हैं। पढ़ लीजिए, द स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ गिव्स द वेलोसिटी, कितना सही स्टेटमेंट है, डिस्प्लेसमेंट और टाइम ग्राफ का ये जो स्लोप है ये वेलोसिटी बताता है। एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंडर में जो एरिया होता है ये देखिए, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंडर में ये जो एरिया होता है ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हमको बताता है। समझ में आ रहा है, तो ये भी बिल्कुल सही है, ये गलत है, यही हमको करेक्ट मतलब हाँ गलत ही चुनना है ना, तो ऑप्शन सेकंड हम करेंगे। आइए आगे चलें, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इन द गिवन टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड एरिया ऑफ वी टी ग्राफ, बिल्कुल सही है, ऑन ना ना डिस्प्लेसमेंट एक्सिस नहीं, एरिया ऑफ वी टी ग्राफ ऑन टाइम एक्सिस, बिल्कुल सही है। पिछले क्वेश्चन में भी ये इस बात का जिक्र हम लोगों ने किया था कि अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमको दिया गया है ये देखिए, तो इसके अंडर में ये जो एरिया आता है टाइम एक्सिस पर जो एरिया आता है वही हमारा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू को बताता है, तो ऑप्शन थ्री बिल्कुल सही होगा। द वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर अ गिवन बॉडी, आइए वेलोसिटी टाइम ग्राफ को देखकर हमको डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस लिखना है, डिस्टेंस लिखना है। आप सोच रहे होंगे डिस्टेंस आता है कि डिस्प्लेसमेंट आता है, आप समझते नहीं बात को। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में अगर ग्राफ पूरी तरह ऊपर है तो यही एरिया डिस्टेंस है और यही डिस्प्लेसमेंट है, और अगर ग्राफ का थोड़ा पोर्शन ऊपर और थोड़ा पोर्शन नीचे होगा तो डिस्टेंस होगा एरिया वन प्लस एरिया टू, और डिस्प्लेसमेंट होगा एरिया वन माइनस एरिया टू, क्योंकि ये जाना शो करता है और ये आना शो करता है, ये एरिया जाने वाली दूरी और ये एरिया आने वाली दूरी, तो जाना आना जोड़ेंगे तो डिस्टेंस आएगा, जाना से आने घटाएंगे तो डिस्प्लेसमेंट आएगा। फिलहाल यहाँ पे डिस्टेंस निकालना है, तो एरिया ऑफ वी टी ग्राफ और ये हो गया 1/2 समानांतर भुजाओं का योग, ट्रेपेजियम बन रहा है, ये देखिए ट्रेपेजियम बन रहा है, तो ये दोनों समानांतर भुजाएं हैं, इनका योग और उनके बीच की दूरी, ये देखिए ये होता है, तो समानांतर भुजाओं का योग यानी कि OC + AB ये हो गया समानांतर भुजाओं का योग इंटू उनके बीच की दूरी AD भी लिख सकते थे और BE भी लिख सकते थे, ठीक है ना, दोनों ही सही होते, तो हो गया 1/2 समानांतर भुजाओं का योग उनको इंटू उनके बीच की दूरी, थर्ड ऑप्शन सही है,
एनसीईआरटी का क्वेश्चन बहुत ही आपके लिए अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि जो लोग ट्रेपेजियम का फॉर्मूला नहीं जानते होंगे, समलंब का एरिया निकालना का फॉर्मूला नहीं जानते होंगे, वो टुकड़ों में एरिया लिखेंगे, दिस प्लस दिस प्लस दिस, और जब आप टुकड़ों में एरिया लिखेंगे तो आपका आंसर मैच नहीं करेगा। आप टुकड़ों में जब एरिया जोड़ेंगे तो आपका आंसर सही होगा, पर इस आंसर से मैच नहीं करेगा, या आपको जबरदस्ती मैच कराना पड़ेगा। इसलिए ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। द एक्सेलरेशन ऑफ मूविंग बॉडी कैन बी फाउंड फ्रॉम, किसी भी मूविंग बॉडी का एक्सेलरेशन कैसे फाइंड कर सकते हैं? अगर हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप निकाल लें तो वो एक्सेलरेशन के बराबर होगा। स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, बिल्कुल इजी क्वेश्चन। एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल चेंजेस, किसी पार्टिकल का एक्सेलरेशन कब बदलता है? जब पार्टिकल की वेलोसिटी की दिशा लगातार बदलती है, जैसे यहाँ पर वी है तो एक्सेलरेशन सेंटर की तरफ है। मान लीजिए मैग्नेटिज्म में आप लोग ये बात खूब देखते होंगे, ये देखिए मैग्नेटिज्म के इस एग्जाम्पल से हमने इसको समझाने की कोशिश की है कि जब वेलोसिटी की डायरेक्शन बदलती है तो एरिया तो एक्सेलरेशन चेंज होता है। एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल चेंजेस व्हेन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंजेस, अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ बॉडी इज शोन इन फिगर, द रेशियो ऑफ एवरेज एक्सेलरेशन ड्यूरिंग ओ ए एंड ए बी। तो एक्सेलरेशन ड्यूरिंग ओ ए और एक्सेलरेशन ड्यूरिंग ए बी, एक्सेलरेशन वैसे होता क्या है, एक्सेलरेशन डी वी बाई डी टी को कहते हैं, जिसको हम लोग स्लोप भी कहते हैं, और स्लोप को हम लोग टेन थीटा के नाम से भी जानते हैं। तो ए वन बाई ए टू इज इक्वल टू टेन थीटा वन अपॉन टेन थीटा टू। थीटा टू यहाँ पर 120 है, ये देखिए 120 है, जिसको हम लोग माइनस टेन अल्फा भी लिख सकते हैं, माइनस टेन सिक्सटी, ठीक है ना। हाँ, अंदर वाला एंगल लेंगे तो माइनस साइन के साथ लगाएंगे, बाहर वाला एंगल लेंगे तो प्लस साइन के साथ। तो अगर हम इसका मैग्नीट्यूड ले लें, है ना, तो ये माइनस साइन नहीं रहेगा। चलिए इसको हम दोबारा बताते हैं, मुझे लग रहा है आपको ये समझने में दिक्कत हो रही होगी, हम इसको दोबारा बता रहे हैं, आइए ठीक से बताते हैं। ये है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये देखिए, तो ये एंगल हो गया, तो इस समय जो इसका स्लोप होगा वो होगा डी वी बाई डी टी, जिसे हम लोग एक्सेलरेशन कहते हैं, और इसी को हम लोग टेन थीटा भी कहते हैं। हो गया आराम से, अब इसकी बात कर लेते हैं। अगर स्लोप कभी नेगेटिव होता है तो भी एंगल तो यही लिया जाएगा, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर हम स्लोप लिखेंगे, स्लोप इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी, जिसको हम लोग एक्सेलरेशन कहते हैं, और इसकी वैल्यू भी टेन थीटा के बराबर होगी। लेकिन क्योंकि ये थीटा 90 से बड़ा है, तो हम लोग अंदर आ जाते हैं और इसको लिखते हैं माइनस टेन अल्फा, ओके। तो हमने इस जगह पर इसी फंडे का प्रयोग किया है। अब आपको बात समझ में आ गई, आइए अब एक्सेलरेशन ए वन और एक्सेलरेशन ए टू के मैग्नीट्यूड को डिवाइड करें, तो ये आएगा टेन थीटा वन अपॉन टेन थीटा अपॉन टेन अल्फा। फिर आप कहेंगे माइनस साइन कहाँ चला गया, तो हमने कहा कि माइनस साइन हमने मॉड लगा दिया ना इस तरफ, तो माइनस साइन हमने हटा दिया, क्योंकि ऑप्शन में कहीं भी माइनस साइन नहीं है। तो टेन टेन थर्टी अपॉन टेन सिक्सटी, सो टेन थर्टी इज वन बाई रूट थ्री एंड टेन सिक्सटी इज रूट थ्री, सो वी गेट वन बाई थ्री, ओके। द थर्ड ऑप्शन वेरी करेक्ट हो गया। तो इस फंडे को थोड़ा समझिए, और इसका प्रयोग हमने इस क्वेश्चन में किया है। द डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ पार्टिकल एट टाइम टी मेक्स एंगल 45 विद टाइम एक्सिस, आफ्टर 1 सेकेंड इट मेक्स एंगल 60 विद द टाइम एक्सिस, व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ पहले टाइम एक्सिस से 60 डिग्री एंगल, पहले टाइम एक्सिस से 45 डिग्री एंगल पर है। 45, थोड़ा देखिए ध्यान से, ये है 45 डिग्री का एंगल, और बाद में ये एंगल बढ़कर 60 डिग्री हो जाता है। तो हमें पार्टिकल का एक्सेलरेशन फाइंड करने को कहा गया।
अब पहले तो आप ये देखिए कि चलो हम यहाँ पे नाम देते हैं ओ, फिर यहाँ पर ए और यहाँ पर बी। तो फॉर ओ ए जो वेलोसिटी होगी दैट विल बी dx/dt, जिसे हम लोग स्लोप कहते हैं, जो कि 10 थीटा होता है। तो 10 45 डिग्री, यानी कि ये वेलोसिटी होगी 10 45, यानी कि 1। ओके, और अब हम बात करेंगे ए से बी तक की। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू dx/dt, जिसे हम लोग स्लोप कहते हैं, 10 थीटा, 10 60, 10 60 यानी कि √3 मीटर पर सेकेंड। अब हमें इस पूरे प्रोसेस में एक्सीलरेशन फाइंड करना है। तो एक्सीलरेशन इज इक्वल टू होता है Δv/Δt। तो Δv हो गया v2 vector - v1 vector / Δt। तो v2 vector क्या होगा? v2 vector होगा √3i कैप, और v1 vector होगा 1i कैप, क्योंकि पार्टिकल एक दिशा में जा रहा होगा और इस परिवर्तन में जो समय लगा वो 1 सेकेंड लगा। ठीक है ना, जो कार है ना वो एक दिशा में ही तो जा रही होगी, ठीक है ना, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जा रही होगी। तो इसीलिए हमने यहाँ पर वेलोसिटी v1, और जब कार यहाँ पहुँच गई तो इसकी वेलोसिटी को हमने कितना माना, बताइए, v2 माना। अरे भैया पार्टिकल, अरे यार एक्सट्री ग्राफ बना हुआ, यानी कि पार्टिकल एक्स डायरेक्शन में ही जा रहा है, समय के साथ वो एक्स डायरेक्शन में आगे बढ़ता जा रहा है। एक्सटी ग्राफ है ये, साफ बता रहा है कि जो कार है वो एक्स डायरेक्शन में सीधे जा रही है। ठीक है ना, तो यहाँ भी आई कैप होगा, यहाँ भी आई कैप। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो ये बनेगा √3 - 1 i कैप, और अब इसका मैग्नीट्यूड हम लिख लेंगे। तो मैग्नीट्यूड होगा जो आई के बगल में लिखा होगा वही मैग्नीट्यूड होगा, क्योंकि तो सिर्फ आई कैप है तो आई के बगल वाला ही मैग्नीट्यूड होगा। इतने क्वेश्चन हमने बता दिए जिसमें से ये अच्छे क्वेश्चंस में से माना जाएगा। आप इसको बहुत ध्यान से जरूर देख लीजिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन ये है। डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेलोसिटी, ओके सॉरी, डिपेंडेंस ऑफ वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी विद टाइम इज गिवन बाय इक्वेशन v = 20 + 0.1 t². द बॉडी इज इन कैसा मोशन कर रही है, एक्सेलरेशन के बारे में हमें फाइंड करना है। तो ए इज इक्वल टू हो गया 20 का डिफरेंस, सॉरी 20 dv/dt, तो 0 + 0.1 देन 2t, सो दिस बिकम 0.2t, यानी एक्सिलरेशन टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कि एक्सिलरेशन वेरिएबल हुआ। ए इज वेरिएबल, और वेरिएबल मतलब नॉन यूनिफॉर्म। बॉडी का मोशन कैसा है? नॉन यूनिफॉर्म एक्सिलरेटेड मोशन है। अच्छा क्वेश्चन माना जाएगा, निश्चित रूप से अच्छा क्वेश्चन है। पार्टिकल मूव एक्स और टी में रिलेशन दिया हुआ है, t + 5 एक्स और टी में रिलेशन आपको सामने दिया हुआ है, और हमें फाइंड करना है एक्सिलरेशन और उसका डिस्टेंस या वेलोसिटी से रिलेशन क्या हो सकता है वो फाइंड करना है। तो पहले वेलोसिटी निकालिए, dx/dt, सो -1 आगे आ गया, t - +5 -1 - 1 यानी कि -2। ठीक है ना भाई, ये हमारे पास एक रिलेशन यहाँ पर आ गया है। ओके, और अब हमें एक्सिलरेशन फाइंड करना है, जो वेलोसिटी को हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, जब करेंगे तो ये -2 आगे आ जाएगा, और t + 5 -2 - 1 यानी कि -3 आ जाएगा। अब ऐसा तो कोई ऑप्शन है नहीं, तो अब हमें देखना पड़ेगा कि यहाँ पर ये क्या लिखा हुआ है। तो सबसे पहले आप एक काम करिए, इस जगह से, हाँ इस जगह से वेलोसिटी को समझने की कोशिश करिए, -t + 5 की पावर -2। तो अगर दोनों तरफ की पावर को हाफ कर दिया जाए तो t + 5 की पावर -1 बच जाएगा। दोनों तरफ पावर हाफ हाफ कर दो तो ये 2 कट जाएगा, -1 आ जाएगा। अब आप मुझे ये बताइए कि 2 और ये लिखा हुआ है t + 5 की पावर -1 का होल क्यूब, मानते हैं कि नहीं मानते हैं?
टी प्लस 5 की पावर माइनस 3 का मतलब है पावर माइनस 1 होल टू द पावर 3, और इसको हम वी की पावर हाफ कह सकते हैं। तो ये हो गया 2 और वी की पावर हाफ, और ऊपर है क्यूब, तो पावर की पावर मल्टीप्लाई होती है, तो पावर की पावर मल्टीप्लाई हो गई तो 1/2 इंटू 3 यानी कि कितना आ गया बताइए, 3/2। यानी कि हम साफ दिखाई देख सकते हैं कि वेलोसिटी वी की पावर 3/2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जो कि इस ऑप्शन फर्स्ट में लिखा हुआ है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन अक्सर आप लोग पूछते रहते हैं, और कई बार ये क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस किया है, और कई बार ये क्वेश्चन आपका गलत भी हुआ होगा, इसको विशेष तौर पर याद रखने की आवश्यकता है। पोजीशन और टाइम का ये डेटा दिया हुआ है, और मोशन कैसा है मुझे ये बताना है। आइए जरा हम यहाँ से यहाँ तक एवरेज वेलोसिटी को देखें जरा। तो डिस्प्लेसमेंट हुआ 2 अपॉन टाइम लगा 1, हाँ ये टाइम 1 सेकेंड और ये डिस्प्लेसमेंट 2, 0 माइनस 2, 0, अरे यार बाद वाला माइनस पहले वाला, तो 0 माइनस माइनस 2 यानी कि 2 और 1 माइनस 0 नहीं आ रहा है तुमको, छोड़िए अलग से बताते हैं। चलिए t बराबर 0 पर पोजीशन है -2, t बराबर 1 सेकेंड पर पोजीशन है 0, टी बराबर 2 सेकेंड पर पोजीशन है 6, जैसा कि मैं देख पा रहे हैं, हाँ, और टी इज इक्वल टू 3 सेकेंड पर पोजीशन है 16 मीटर। छोड़िए उसको, अब आप मैंने जो ये लिखा था मैंने उसको यहाँ बना दिया। तो अब यहाँ से यहाँ तक एवरेज वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट देखिए, हाँ फाइनल माइनस इनिशियल करो भैया, तो 0 माइनस माइनस 2 यानी कि 2 और 1 माइनस 0 यानी कि 1, कितना आया जल्दी बताइए, कितना आया जल्दी बताइए, 2 आया। अच्छा अब वही काम यहाँ से यहाँ तक जरा करिए, यहाँ से यहाँ तक एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट यानी कि 6 माइनस 0 अपॉन टाइम 2 माइनस 1 यानी कि 1, तो आ गया 6 मीटर पर सेकेंड। एवरेज वेलोसिटी हम लोग निकाल रहे हैं, और एक्सीलरेशन के बारे में हमको जरा पता करना है। यहाँ से यहाँ तक वही काम करिए, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू, हाँ डिस्प्लेसमेंट 16 माइनस 6 यानी कि 10, और बटे टाइम 3 माइनस 2 यानी कि 1, यानी कि एवरेज वेलोसिटी आई 10 मीटर पर सेकेंड। चलिए अब ये सब काम हम लोगों ने कर लिया, ठीक है, थोड़ा सा हम जगह बना रहे हैं कि आपको थोड़ा सा यूनिफॉर्म लगे। तो ये 2/1, 2/1 यानी कि ये वैल्यू आई थी 2 मीटर पर सेकेंड। अब आइए, अब यहाँ पर एवरेज वेलोसिटी और यहाँ पर एवरेज वेलोसिटी को देखकर आप एक्सीलरेशन के बारे में बात करिए, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। तो चेंज इन वेलोसिटी है 6 माइनस 2, 6 माइनस 2 अपॉन टाइम 1 यानी कितना आ गया बताइए, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और आप यहाँ से यहाँ तक के बारे में एक्सीलरेशन निकालने की कोशिश करिए, तो यहाँ पर ए बराबर डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, तो 10 माइनस 6 यानी कि, हाँ 10 माइनस 6 यानी कि 4 अपॉन टाइम लगा 1 सेकेंड, तो यहाँ भी कितना आ गया बताओ, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, यानी कि यहाँ से यहाँ तक भी एक्सीलरेशन उतना ही है, और यहाँ से यहाँ तक आगे देखें तो भी एक्सीलरेशन उतना ही आ रहा है। तो ये कि मोशन कैसा हुआ, यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन हुआ। सवाल बेहद इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी से रिलेटेड है, और मैं तो ये समझता हूँ कि इतना छोटा सवाल, इन सभी सवालों में ऐसा सवाल है जो सबका गलत ही हो गया होगा। चलिए यहाँ से यहाँ तक एवरेज वेलोसिटी 2 आई, यहाँ से यहाँ तक एवरेज वेलोसिटी 6 आई, और यहाँ से यहाँ तक एवरेज वेलोसिटी 10 आई। ये क्लियर हो गया। अब यहाँ से यहाँ तक एक्सीलरेशन कितना आया, एक्सीलरेशन कितना आया, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी 4, और यहाँ से यहाँ तक एवरेज एक्सीलरेशन भी कितना आया, 4। इसका मतलब ये हुआ कि एक्सीलरेशन बिल्कुल कांस्टेंट है, यानी कि यूनिफॉर्म
एक्सीलरेटेड मोशन है। मैं समझता हूँ कि ये क्वेश्चन लगभग सभी का, अगर पहले से देखा हुआ नहीं है तो गलत हुआ होगा। एक बस अचानक चलना शुरू कर देती है एक्सीलरेशन से, उसके पीछे एक व्यक्ति खड़ा हुआ है, साइक्लिस्ट है, चलिए साइक्लिस्ट है पीछे, और बस यहाँ पर आगे है कहीं पर, ठीक है ना। बस चलना शुरू कर देती है और उसके पास एक एक्सीलरेशन है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको देखकर साइकिल वाला दौड़ना शुरू कर देता है, 20 मीटर पर सेकेंड से दौड़ना शुरू कर देता है, लेकिन कोई एक्सीलरेशन नहीं दिया है इसके पास। ये दूरी 96 मीटर है, तो कह रहा है कि मैन कितनी देर बाद बस को कैच कर लेगा। तो मान लीजिए कि यहाँ पर मैन ने, मतलब साइकिल वाले ने बस को कैच कर लिया, ये मानते हुए, ये देखिए यहाँ पर कैच कर लिया, तो माना कि यहाँ के आगे बस कितना चली है, बताइए एक्स। ये हमने मान लिया कि बस एक्स चली है, और मैन तो ये कवर करेगा और ये भी कवर करेगा, तो ये 96 प्लस एक्स चलेगा। तो मैन के लिए इक्वेशन क्या बनेगी, यानी कि साइकिल वाले के लिए इक्वेशन बनेगी 96 प्लस एक्स, दूरी बराबर चाल गुणे समय, ठीक है भाई। और बस के लिए बनाइए, बस के लिए एक्स इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो 0 प्लस ए का मान 2 है, टी स्क्वायर, यानी कि ये आ गया टी स्क्वायर। हमें टाइम फाइंड करना है, तो हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को घटा दें जिससे x कट जाए, तो 96 प्लस x माइनस एक्स इज इक्वल टू यू टी, यू का मान मैंने नहीं रखा है, यू का मान मुझे यहाँ रख देना चाहिए था, यू का मान है 20 टी, तो 20 टी माइनस टी स्क्वायर, एक्स एक्स कट गया, बचा कितना 96। तो ये इक्वेशन हमारी बन गई है क्वाड्रेटिक। आप सॉल्यूशन समझ रहे हैं ना, हमने इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को माइनस कर दिया, एक्स कट गया और ये बन गया, ये इधर आया तो प्लस हो गया, ये इधर आया तो माइनस, और ये यहीं रहने दिया तो प्लस, ठीक है ना। अब 96 के कैसे फैक्टर करो जिसका एडिशन 20 हो, तो 12 टी माइनस 8 टी प्लस 96 इज इक्वल टू 0, टी कॉमन ले लिया तो टी माइनस 12, और माइनस 8 कॉमन लिया तो टी माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अब टी माइनस 12 भी कॉमन ले लिया तो बच गया टी माइनस 8 इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो टी के दो मान होंगे, टी बराबर 8 भी हो सकता है और टी बराबर 12 भी हो सकता है, यानी कि मैन बस को 8 सेकेंड बाद और 12 दो बार पकड़ सकता है। तो ऑप्शन में 12 तो कहीं है नहीं, तो मिनिमम टाइम लिखा जाता है, तो कम से कम टाइम 8 सेकेंड लगेगा, ऐसा ये यहाँ पे हमारा आंसर आया। अच्छा सवाल है, बहुत ही बढ़िया। अ बॉडी इनिशियली एट रेस्ट मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, इट्स वेलोसिटी आफ्टर 10 सेकेंड इज 5 मीटर पर सेकेंड, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी इन लास्ट 2 सेकेंड। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है भाई, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। ये देखिए, एक ऑब्जेक्ट है जो कि 10 सेकंड तक चलता है और उसकी वेलोसिटी 0 से बढ़कर, u बराबर 0 से बढ़कर 5 मीटर पर सेकंड हो जाती है, 10 सेकंड में वेलोसिटी इतनी हो जाती है। तो क्वेश्चन है कि आखिरी के 2 सेकंड में ये ऑब्जेक्ट कितना चला, ये देखिए लास्ट के 2 सेकंड में चली गई दूरी हमको निकालनी है। चलिए इस पॉइंट को हम ए मान लेते हैं, बी और इसको हम सी मान ले रहे हैं, तो ए से सी तक हम एक्सीलरेशन निकाल लें पहले। ए से सी तक वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, सो 5 इज इक्वल टू 0 प्लस ए इंटू 10, सो 5 इज इक्वल टू 10 a, सो a इज इक्वल टू 1/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सीलरेशन आने के बाद हम क्या करेंगे, हम 10 सेकेंड में चली गई दूरी x1 निकाल लेंगे और फिर हम 8 सेकेंड में चली गई दूरी x2 निकाल लेंगे। तो समझ में आ रहा है कि नहीं,
हम 10 सेकंड में चली गई दूरी x1 निकाल लेंगे और 8 सेकंड में चली गई दूरी x2 निकाल लेंगे और x1 से x2 घटा देंगे, हाँ x1 से x2 घटा देंगे तो आखिरी के 2 सेकंड में चली गई दूरी आ जाएगी, ठीक है ना। तो अब आइए ए से लेके सी तक x1 इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो यू तो 0 हो गया हाफ और ए की वैल्यू है 1/2 और टी स्क्वायर का मतलब हो गया 10 का स्क्वायर, तो ये हो गया 100/4 यानी कि 25 मीटर। और अब आ जाइए ए से लेके बी तक, ए से सी और हाँ अब ए से बी तक x2 निकालिए, तो यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर यानी कि हाफ इंटू हाफ और 8 का स्क्वायर, तो ये हो गया 64/4। क्या हो गया भाई 10 सेकंड और ये आखिरी के 2 सेकंड, तो ये बचे 8 सेकंड, 8 64/4 4 बिल्कुल सही है 16 मीटर, है ना। तो आखिरी के 2 सेकंड में कितना चला, डिस्टेंस कवर्ड इन लास्ट 2 सेकंड इज इक्वल टू x1 माइनस x2, तो 25 माइनस 16 यानी कि 9 मीटर हो गया। तो अभी तक जो भी सवाल मैंने बताया ये उनमें से अच्छे सवालों में माना जाएगा। तो 25 क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं और बचे हुए 25 क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है, ओके।